थ्री। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पासिंग ज्ञान। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ फैक्टर्स निकालना। फैक्टर्स निकालने के दो तरीके हैं, एक मल्टीप्लिकेशन से, एक डिवीजन मेथड से। बच्चे फैक्टर्स निकाल तो लेते हैं लेकिन वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते। कभी ना कभी कोई फैक्टर्स छूट ही जाता है जिससे कि मिस्टेक्स हो जाती है। लेकिन आज मेरा जो मेथड है यू शेप मेथड को आप फॉलो करके किसी भी डिजिट के सारे फैक्टर्स निकाल सकते हैं। आपका एक भी फैक्टर इससे छूटेगा नहीं और आपसे कोई भी मिस्टेक्स नहीं होगी। तो चलिए आइए मैं आपको सिखाती हूँ यू शेप मेथड से फैक्टर्स निकालना। सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल कोई भी डिजिट ले लेते हैं जिसके हमें फैक्टर्स निकालने हो, लाइक 24। अब हम सबसे पहले सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन के थ्रू इसके फैक्टर्स निकालना। ठीक है, सबसे पहले हमारे स्टेप्स हैं इसको करने के लिए। वो स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले हमें 1 to 10 टेबल ऑब्जर्व करना है। 1 to 10 टेबल बहुत ही इजी है और सभी को आते हैं। फिर उसके बाद हमें सारे वो डिजिट लेने हैं जो उस टेबल में लाइज करते हो। मीन्स अगर कोई भी नंबर, जो भी, जैसे कि हमें 24 दिया है, तो 24 अगर जिस टेबल में लाइज करेगा सिर्फ उन्हीं नंबर्स को लेना है। जिनमें नहीं लाइज करते उन्हें नहीं लेना है। हमें यू शेप मेथड फॉलो करना है हमेशा और सारे फैक्टर्स लिख लेने हैं विदाउट रिपीटेशन। रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी जो है नंबर वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे? अब जैसे मल्टीप्लिकेशन से करना है तो पहले हमें 1 से 10 तक इसके टेबल्स लिख लेने हैं कि किस किस टेबल में ये आते हैं। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे कि किस किस टेबल में ये आते हैं। अब देखिए 1 के टेबल में तो आएगा ये 24, 2 के टेबल में 12 पे 24 आएगा, 3 में 8 पे आता है 24, 4 में 6 में आता है, 5 में नहीं आता उसे एज इट इज छोड़ दे, 6 में 24 पे, 7 में नहीं आता एज इट इज छोड़ दे, 8 में 3 पे आता है, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब हमें क्या फॉलो करना है? मेरा यू शेप रूल। यू शेप रूल क्या है? देखिए यहाँ पे 24 24 दिया है, इसको ना लेके हम इधर वाले जो डिफरेंट डिजिट आ रहे हैं यू लेंगे और इससे हम इस तरह का एक यू बना लेते हैं। ठीक है, ये यू बन गया, आपको ब्लू लाइन से दिख रहा है इट इज। अब हमें वही नंबर लेने हैं फैक्टर लिखने के लिए, फैक्टर ऑफ 24 के लिखने के लिए हमें वही नंबर लेने हैं जिनके टेबल में 24 लाइज करता है। मीन्स जैसे कि हमें कौन सा नंबर लेना है, 1, 2, 3, 4, देन 6, फिर 8। पहले हम ये नंबर लिख लेंगे जो उसके टेबल में लाइक करते हैं, खाली जिनके टेबल में नहीं आते उन्हें नहीं लेंगे। जैसे 5 में नहीं आता तो हमें 5 नहीं लेना, 6, 7 नहीं लेना, 9 और 10 नहीं लेना। अब हम पहले तो ऊपर की तरफ से चलते हुए आएंगे नीचे की तरफ, पहले ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे फिर नीचे से ऊपर की तरफ। अब देखिए ये वाला डिजिट लेंगे हम 3, 4, 6, 8, 12, 24, लेकिन यहाँ पे देखिए 3, 4, 6, 8 हमारे रिपीट हो रहे हैं तो इन्हें हम नहीं लेंगे। कौन से रिपीट नहीं हो रहे? 12 और 24। तो हमारे कितने फैक्टर, जितने भी ये फैक्टर्स निकले हैं ये 24 के फैक्टर्स निकल गए मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, इस तरीके से हमें 24 के सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे। इस मेथड से आप कोई भी एक भी हमारा फैक्टर नहीं छूटेगा। ठीक है, अब इसी को हम अगर डिवाइड मेथड से निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे? क्योंकि पेपर में या क्वेश्चंस में दोनों मेथड आ सकते हैं। मैडम कोई भी पूछ सकती है कि मल्टीप्लिकेशन से निकालिए या डिवीजन से निकालिए। अब डिवीजन के लिए हमें यहाँ पहले 24 लिखना है। 1 के टेबल से डिवाइड होता है, 2 में डिवाइड होता है तो 12 आता है, 3 में डिवाइड होगा तो 8 आएगा। मल्टीप्लाई का ही ये उल्टा है एक तरीके। 6 जिसके टेबल में नहीं आता या नहीं पूरा जाता एग्जैक्टली उसे नहीं लेंगे हम। 6 में जाएगा 4 पे, 7 में नहीं जाता उसे हम ऐसे छोड़ देंगे, 9 में और 10 में नहीं जाता हम ऐसे छोड़ दें। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स कैसे लिखेंगे हम? जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में लिखे थे, कौन सा रूल फॉलो करके? यू शेप। वेरी गुड, अब हमने यहाँ से लिया ऐसे करके हम यू शेप में लेके गए अपना, और हमने कौन से डिजिट लेने हैं? कोई डिजिट लेने हैं जो केवल इसके टेबल में लाइक करते हैं ये, और दूसरे नहीं लेने। ठीक है, और रिपीट नहीं करना कोई भी डिजिट, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। देखिए अब हमारा इससे क्या पता चलता है कि चाहे हम मल्टीप्लाई करें चाहे हम डिविजन करें फैक्टर सेम रहेंगे, फैक्टर चेंज नहीं होंगे कभी भी। कि डिवाइड में 4 आ रहे हैं और मल्टीप्लाई में 5, ऐसे कभी भी नहीं होगा। अगर डिवाइड में 6 आ रहे हैं तो 6 ही फैक्टर्स आएंगे मल्टीप्लाई में भी। अभी ये तक तो हुआ हमारा दो डिजिट का फैक्टर निकालना। अब कई बार क्या होता है,
हमारे को तीन डिजिट भी आ जाते हैं, जैसे कि 3, 4 कितने का भी डिजिट का हम निकाल सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे तीन डिजिट के निकालने के लिए, उसके लिए भी हम सेम मेथड यूज करेंगे। अगर हम कोई भी मेथड से निकाल लेंगे मल्टीप्लिकेशन से, 1 to 10 देखना है हमें हमारे रूल के अकॉर्डिंग। 3 में कितने पे आता है, 8 क्या पे, सॉरी 4 में, 5 में, 6 में, 7 पे नहीं जाता, 9 में नहीं जाता, 10 में 12 क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने निकाल लिए। अब इसके फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे, हम यू शेप। तो वही हमने यू शेप लगाया और हम उसके फैक्टर्स निकलेंगे विदाउट रेपिटेशन, रिपीट ना करते हुए सारे फैक्टर्स लिखेंगे। इसमें हमारा कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं होगा कि जो छूट जाए या रह जाए। ठीक है, इस तरीके से हमने 120 के सारे फैक्टर्स निकाल लिए हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा अच्छी तरह कॉन्सेप्ट। और यू शेप से आप फैक्टर इजीली निकाल सकेंगे, चाहे मल्टीप्लाई मेथड से निकालना हो चाहे डिवीजन मेथड से निकालना। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपको इसकी रिटर्न को चाहिए एक्सप्लेनेशन, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप उसको वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू।